श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्रीसूत जी महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोमांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्मफल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णुलोक गए। वहाँ चार भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदिमध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवन, मृत्युलोक में अपने पापकर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है, आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए, केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए, तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए, ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हैं द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो। हे द्विज श्रेष्ठ,
यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया, आगे अब और क्या कहूँ। हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं, उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभो, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख कर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन सम्पन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनपुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहाँ आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्तियुक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं, कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु,
पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए, आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्यारत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रम की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और पद्ने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख कर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभो, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहां रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवन,
आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भयविवन हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवा कर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया है, इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। आता उन्हीं की शरण में हम चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बनिया की भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धनधान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया।
साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधुवर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया से सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगम करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगाया, तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है, निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और न उसे भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की।
भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठलोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्य में तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्तियुक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठलोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलियुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोक काल, कुछ लोक सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोक सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलियुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहो का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्रीरंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभूव मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठलोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का सहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पांचवां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।